जो एक स्पिनर अगर वाइड करता है तो इट्स लाइक अ क्राइम। अली एक तो इस अलमिये पे ये गम की शाम, ये कब ढलेगी, मतलब खत्म, इससे आगे निकले आदमी, चार मैच खेले गम की शाम हमारे लिए, आपके लिए तो शायद नहीं है। नहीं नहीं, वही मैं आप ही के गम की शाम की बात, आपने एक्सेप्ट कर ली कि आपके लिए खुशी का दिन है। नहीं नहीं, मेरे जब हमने देखा स्कोर बोर्ड पर तो 8 बॉल्स पर 28 रन चाहिए थे। मेरे जैसा बंदा जो था ना वो मुतमईन हो गया, मिठाई खरीदने हम चले गए कि बस भाई अब तो भी पाकिस्तान जीत गया। अच्छा जब जरा ऐसे मुड़ के देखा तो पता चला कि ये तो मैंने मना किया उनको। मैं तो क्रिकेट फैन बन के देखता हूँ मैच को, और मेरा एक ही फेवरेट है वो विराट कोहली, खत्म बात। उसके अलावा मैं किसी को प्रेज ही नहीं करता, जो जानते भी नहीं। विराट क्या खिलाड़ी उसने बता दिया। विराट अगर, अच्छा विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारे अपना एशिया कप भूल गया, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। क्या मतलब चार मैच, चार कैच छुटे हैं उसके, चार कैच छुटे हैं तो वैसे चलांगे। ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा। एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं, स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रू सूर्य कुमार यादव जिस किस्म की फॉर्म में है, रोहित शर्मा जिस किस्म की फॉर्म में है, आई मीन उनके मेन चार बैट्समैन आप ऊपर से आउट कर देते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्ट कम बैक इन दिस गेम। बट अगेन आई मीन दिस इज़ हाउ इट इज़, वन ऑफ द ग्रेट्स अगर आप कहें, द वे विराट प्लेड आई थिंक ही शोड हिज क्लास। और जैसे ही वो फॉर्म में आया और वो यही कह रहा था कि Yes, I've seen tough times, but फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप अपने सभी परिवारजनों के साथ हैं और अपने माँ बाप के साथ अच्छे से हंस खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनका ध्यान रखें। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके की बात हो रही है, विराट कोहली की तारीफ़ें की जा रही हैं। हालांकि मैंने कल जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें एशिया कप का एक क्लिप था जिसमें राशिद लतीफ़ बोल रहे थे विराट कोहली T20 का प्लेयर नहीं है, बट आज पाकिस्तान का मीडिया विराट कोहली को लेकर काफ़ी तारीफ़ें कर रहा है और विराट कोहली को जो एक नो बॉल मिला था उसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, हालांकि वो क्लियरली नो बॉल था। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट फेक फ़ोटो दिखा रहे हैं जिसमें बॉल की मतलब वो हाइट है वो नीचे कर दी गई है और बहुत सारे ऐसे फेक ट्वीट जो काफ़ी वायरल हुए। पहले वीडियो देखते हैं पूरा, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं कोहली कोई आसिफ टुल्ला नहीं है कि एक दफा मार दिए 15 मैच खेल जाएगा, वो कंसिस्टेंट हो गया, इसका मतलब है वो आगे भी जाके आगे आने वाले मैचेस में भी किसी भी टीम के खिलाफ कुछ भी कर लेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे आज साउथ अफ्रीका का मैच जो आपने देखा जिम्बाब्वे के साथ, एक पॉइंट दोनों को मिल गया, ये पाकिस्तान के लिए मजीद खतरे की घंटी बज गई है इस वर्ल्ड कप के अंदर कि अब पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से हर सूरत से मैच जीतना है। भाई बाकी टीम्स तो आपकी हल्की हैं, आपने हमेशा उनको बायलैटरल के अंदर मारा है, जिम्बाब्वे हो गई, नेदरलैंड हो गई, अभी आप मार कर आए, बांग्लादेश हो गई, ये तो आसान टीमें होंगी आपके लिए, मगर अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ये आप पे हावी ना हो जाए, ये आपकी क्या प्लानिंग है इस हवाले से बताएं। मगर आपके पास जवाब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं कह रहा हूं जवाब के इंटरेस्टिंग होते हैं। आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भैया कोई मुकद्दस गाय है भाई वो, उस पे आप कोई भी, मैं आ रहा हूं, सुन तो ले आप मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कोई सुनने के लिए किसी पे उंगली नहीं, 2021 में कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, ये बाबर के इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, ये बाबर कह रहे थे। उसके बाद रिजवान है जो हम पे बात करेगा वो जलील है, ठीक है ये, उसके बाद रिजवान है, फिर मोहम्मद यूसुफ है कि भाई हम हमारे बॉलर जहां बॉल करते हैं वहां फील्डर के हाथों में बॉलें नहीं आती, ठीक है, फिर सकलेन है, कुदरत का निजाम है, फिर बाबर है, क्रिकेट की खूबसूरती। तो जो आपके पास सारी जुगाड़े हैं, ठीक है, तो फिर जुगाड़ लगाए ना। देखें कल कॉपी पेस्ट हम मुसव्विर गम राशिदुल खैरी बन के यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, ग्रांट एलियट भी तो यही बात बोल रहा है, अनिल कुंबले भी तो यही बात बोल रहा है, ब्रेड हॉग भी तो यही बात बोल रहा है कि इस मैच के अंदर जो है वो अंपायरिंग के मसाइल सामने आए, वो सब हसरत गम आया यास की तस्वीर बने बैठे हैं। कौन है ये लोग? आप जानते नहीं ब्रेड हॉग को, आप जानते नहीं अनिल कुंबले को, आप जानते नहीं ग्रांट एलियट को। T20 में क्या किया हुआ इन लोगों ने बताया मुझे, दुनिया भर की लीग खेलते हैं, PSL खेल के गया। अच्छा ये मोहम्मद यूसुफ, इनसे बड़े लोग हैं क्या? अनिल कुंबले छोटे लोग हैं,
तो भाई अली ब्रेड हॉक का रिकॉर्ड पता है टी ट्वेंटी ने क्या कहा कभी? वो भी तो खबर जो अंपायर है आईसीसी का उसकी लाए ना निकाल के आप कहानी। ये अलीम डार वहां बैठे हुए इनको इनको पाकिस्तान याद नहीं आ रहा? ये क्या आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट के नीचे पूछ रहे हैं मफादात? आप ये मैं क्या बताऊंगा मेरी कौन है? मैं भाई अगर मेरी आईसीसी की जो रूल बनाने वाली कमेटी है पहले उसमें शामिल थे मेरे भाई, चल रही होती तो क्या बात कर देते? इस बात का पता लगाए कि ये शादाब 15 से पहले फारिग क्यों जाता है ओवर करा के, ये मालूम करें हम भाई। ये पूछ रहे हैं अनिल कुंबले कौन है? अनिल कुंबले आईसीसी की जो रूल बनाने वाली कमेटी है उसका हिस्सा थे और पूछ रहे हैं अनिल कुंबले कौन है? नहीं ग्रैंड एलिट थे या है, थे या है ये भाई? बनाए ना रूल तो वही तो अब ग्रैंड एलिट ये बात कह रहे हैं। तो रूल के खिलाफ कुछ हुआ है क्या एफी भाई? ये देखें ये एक्सेप्ट कर लें, ये एक्सेप्ट कर लें कोई रोल नहीं नो बॉल पे, लेकिन एक्सेप्ट कर लें नहीं करेंगे ना अंपायर रोल अंपायरिंग के एरर्स थे। देखें अंपायरिंग के एरर थे उस वक्त उस मोमेंट पर। देखें विराट कोहली का एक प्रेशर है, आप माने ना माने, जब विराट कोहली जैसा हाई बैट्समैन अंपायर को पूछेगा भाई ये नो नहीं थी, थोड़ा अंपायर बौखला रहा था, चाहे जितना भी एक्सपीरियंस अंपायर ठीक है एक्सपीरियंस अंपायर था, अंपायरिंग के एरर्स का राइट नहीं है सर, राइट है सर, विराट कोहली का कसूर थोड़ी है, सब मना नहीं कर रहे हैं पहला राइट भाई वो जाके लेट जाए बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। विराट कोहली को कसूर है बाबर क्या चुस्ती लेकर विराट का विराट का हक है बाबर का भी, दोनों ने अपोज किया। चैलेंज है कि इस मैच में अंपायरिंग के प्रॉब्लम्स नजर आए, फ्लॉज आए जहां पर आईसीसी को डेफिनेटली रूल चेंज करना पड़ेगा। ग्रैंड एलियट ये बात कर रहे हैं, नासिर हुसैन भाई नासिर हुसैन को जानते हैं, वो भी जानते हैं भाई नासिर हुसैन को जानते हैं, उन्होंने कह दिया भाई उसको तो पाकिस्तान हुसैन को नहीं जानते एलियट को नहीं जानते बाबर आजम को आपके जो लेजेंड्स हैं उनकी जबानों में ताले क्यों पड़े हैं? आप किसको जानते हैं उसी की बात कर लो, आप किसको जानते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था विराट कोहली के बारे में। यहाँ पर जो बंदे बैठे हैं तीन तो सेंसिबल हैं, एक बेवकूफ़ है, अब जानते हैं बेवकूफ़ कौन है। तो ऑब्वियसली यार विराट कोहली की जो इनिंग है वो सर्वश्रेष्ठ थी अब तक की उनके करियर की, और कल से ये मैं इनिंग 3-4 बार देख चुका हूँ। अभी भी स्टार स्पोर्ट लगा हुआ है मेरे यहाँ पर और अभी बॉल बाय बॉल हाईलाइट्स दिखाया जा रहा है, बिल्कुल बॉल बाय बॉल हाईलाइट्स दिखाया जा रहा है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो लाइव मैच का मजा है ना, जो प्रेशर जब आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है वो मज़ा कुछ और होता है। और ये अब तो पता है कि यार इतना एक्साइटमेंट वाला मैच था, ऐसे मैच आप अकेले भी देखते हो ना तो आपके मुंह से आवाज़ें निकलने लगती हैं, आप उछल कूद करने लगते हो, आप अपने कमरे में ही चलने लगते हो, आप पागलों की तरह हरकत करने लगते हो जैसा कि मैं कल कर रहा था। ऑब्वियसली जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके लिए क्रिकेट एक मतलब पागलपन है, वो लोग ऐसा करते हैं, और मेरे लिए है क्रिकेट पागलपन और आपके लिए होगा तो आप भी करे होंगे, कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। विराट कोहली ने जो इनिंग खेली ना यार, मैं तो यार सीरियसली यार मैं मतलब जब 3 ओवर में 48 चाहिए थे ना, ऐसा मैं सोच रहा था कि ऐसा आईपीएल में ही होता है, एमएस धोनी होते हैं या तो फिर रसल होता है या तो फिर डेविड मिलर होता है या तो फिर मतलब एवी डी विलियर्स होता है, तो ये टारगेट चेज होता है। विराट कोहली आपको भी पता है विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं लेकिन बहुत बड़े पावर हिटर नहीं है, तो उस तरीके का कुछ सीन क्रिएट हुआ और विराट कोहली ने वो करके दिखाया। पहले शाहीन अफरीदी को गैप्स में मारा, 2-2, 3-3 रन लेना शुरू करा, बड़े ग्राउंड का फ़ायदा उठाया। विराट कोहली उस दिन फॉर्म में नज़र आ जाते हैं, मतलब उनका पता चल जाता है कि यार ये बंदा फॉर्म में, जब वो सिंगल डबल कर करके रन बनाते हैं ना तो समझ जाओ कि विराट कोहली का बैट चलने लगा है। तो कल के मैच में यही कुछ हो रहा था। हार्दिक पांड्या ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया था, हालांकि मैं हार्दिक पांड्या से थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। प्रेशर वाली इनिंग थी बट 37 बॉल में उन्होंने 40 रन बनाए, बाकी प्रेशर एब्जॉर्ब किया ये बात सच है, बट 37 बॉल अगर उन्होंने खेली तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 50 रन बनाते। तो ये जो लास्ट ओवर में जो गैप आया था ना, इतना मतलब मैच क्लोज नहीं जाता, बट फिर भी अब जो होना था हो गया, हमें इतना मज़ेदार मैच देखने को मिला वही हमारे लिए अच्छी बात है और हमने इतना मज़ेदार मैच जीता। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।